GT710 3,694 रुपीज़ का, GT1030 8,799 रुपीज़ का, और GTX 1050 Ti 16,490 रुपये का। अब गाइस ये बात तो हम सभी से छुपी नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। हमें ये मालूम है कि इसका कारण माइनिंग है और फिर बाद में मेमोरी की बढ़ी हुई प्राइसेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेमोरी की प्राइसेस को जानबूझ के बढ़ाना कुछ कंपनियां मिलकर ऐसा कर रही हैं। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग बहुत घटिया रही है पिछले कुछ महीनों में। अब लेकिन जो बजट ग्राफिक्स कार्ड है, जैसे कि GT710 1030 और GTX 1050 Ti, इनके ऊपर तो माइनिंग आप मतलब नहीं कर सकते ना। मान लो कि GTX 1050 Ti के ऊपर आप माइनिंग कर भी सकते हो, लेकिन उतना प्रॉफिट होएगा नहीं आपको कि मतलब आप माइनिंग करो और आप सोचो कि आपको बहुत पैसे मिल जाए। तो माइनर्स के लिए तो GTX 1050 Ti है नहीं, और ना ही 710 पे आप माइनिंग करोगे और ना ही वही 1030 पे। तो आखिर में इन GPUs की प्राइसेस इतनी क्यों बढ़ी हुई है, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, टेक सुविधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आरंभ करते हैं। ग्राफिक्स कार्ड के बढ़ते हुए प्राइसेस की सबसे बड़ी वजह है माइनिंग, और थोड़ा सा एडअप कर देता है बाद में मेमोरी की प्राइसेस। अब लेकिन अगर माइनिंग सीन की बात करें तो माइनर्स जो होते हैं भाई, वो तो यार मिड रेंज के ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं, जैसे कि RX 570 हो गया, 580, और फिर बाद में NVIDIA में 1060, 1070, और फिर बाद में जितना हाई हो सके उतना हाई जाते हैं, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा कंप्यूट परफॉर्मेंस रहेगा ग्राफिक्स कार्ड में, उतना ज्यादा मुनाफा होगा। तो इसीलिए मार्केट से जो मिड रेंज के और हाई एंड की ग्राफिक्स कार्ड है वो गायब हो गए। अब लेकिन क्या यार माइनर सब मतलब GT710 में भी माइनिंग कर रहे हैं, और उन लोग माइनिंग भी अगर करें तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यार। मतलब कि GT710 आपको 3,500 के ऊपर बिकता हुआ दिख रहा है। और अभी हाल ही में MSI और Gigabyte ने बोला था कि अप्रैल में उनकी जो ग्राफिक्स कार्ड की शिपिंग है वो 40% डिक्रीज हुई है, और इसका इफेक्ट हमें एक्चुअली दिखा भी ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस है। मतलब कि जो मिड रेंज के और हाई एंड के ग्राफिक्स कार्ड है उनके प्राइसेस अब स्टेबल हो रही है, मतलब कि MSRP के आसपास आ रही हैं। जैसे कि आपको GTX 1080 अब मिल जाएगा 50,000 में, और फिर बाद में 1066 GB आपको मिल जाएगा 24,000 में, और NVIDIA खुद भी अपने साइड पे GPU सेल कर रहा है। तो जैसे कि मिड रेंज ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, वैसे ही एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस भी तो नॉर्मल हो जाने चाहिए थे ना। सपोज कर लो कि माइनिंग ने अफेक्ट किया था, तो माइनिंग तो अब मतलब डिक्रीज हो रहा है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो करेंसीज ने अपना पेस वापस पकड़ा था, लेकिन अब वापस से वो स्लंप में जा रहे हैं। और हाँ गाइस, जब क्रिप्टो करेंसीज ने वापस ऊपर चढ़ना चालू किया था ना, तब भी यार मतलब उतनी तेजी से वो ऊपर नहीं जा रहे थे जिस तेजी से कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा आपके प्रॉफिट उतने कम होंगे। तो एक तरह से तो मतलब पिछले कुछ दिनों से माइनिंग का धंधा ठप ही चल रहा है। तो बात घुमा फिरा के यहीं पे आके अटक जाते कि सबसे पहले तो लो एंड ग्राफिक्स कार्ड पे माइनिंग नहीं किया जा सकता, फिर भी उसके प्राइसेस बढ़े हुए हैं। दूसरी बात ये कि हाई एंड और मिडिल रेंज ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस अब डिक्रीज हो रहे हैं, नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एंट्री लेवल के ग्राफिक्स कार्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, उनके प्राइसेस अभी भी इन्फ्लेटेड हैं। अब देखो गाइस, सबसे पहला यहाँ पे जो कल्प्रेट है वो मेमोरी प्राइसेस है ना। बजट ग्राफिक्स कार्ड जो है, जैसे कि 710, 1030 और 1050 Ti हो गया, इनका माइनिंग से कुछ लेना देना है नहीं। मान लो कि 1050 Ti थोड़ा बहुत माइनिंग में यूज भी किया जाता है, लेकिन उतना एक्सटेंसिवली नहीं किया जाता है। तो इन ग्राफिक्स कार्ड के इन्फ्लेटेड प्राइसेस का सबसे बड़ा कल्प्रेट तो है मेमोरी कॉस्ट। अब गाइस, हम सभी के सभी जानते थे कि जो रैम हमको पहले 4,000 का मिलता था, मतलब 8 GB का DDR4, वो आज 7,000 का मिल रहा है, 6,500 का मिल रहा है। तो मेमोरी प्राइसेस तो डबल हो गई है, तो हम लोग सभी जानते हैं। और इन्फ्लेटेड मेमोरी प्राइसेस का जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो बजट ग्राफिक्स कार्ड को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि देखो, पहले ही बजट ग्राफिक्स कार्ड में जो कंपनी का मार्जिन रहता है वो कम रहता है, और फिर बाद में उसके अंदर VRAM लगता है, GPU लगता है, चोक्स वगैरह, कैपेसिटर्स, फिर बाद में VRM वगैरह जो एक नॉर्मल बड़े हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड में लगता है, वो सभी के सभी चीजें एक मतलब बजट ग्राफिक्स कार्ड में लगता है। तो इसलिए आप जितना सस्ता ग्राफिक्स कार्ड बाय करोगे ना, आपको परफॉर्मेंस उतना ही कम मिलेगा और आपको उतना ज्यादा ही पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले 710 GDDR5 की बात कर लेते हैं। अब ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ना, 3,000 का बिक रहा था इससे पहले कि माइनिंग क्रेज आया और सभी ग्राफिक्स कार्ड मतलब आउट ऑफ स्टॉक होने लगे और उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। अब 710 की जो करंट प्राइस है वो है 3,500 से लेके 3,800 रुपए। तो चलो 710 के ऊपर 500 रुपए से लेके 800 रुपए बढ़ा हुआ है प्राइस, है ना। अब आते हैं 1030 पे। 1030 एक जमाने में आप बिलीव नहीं करोगे ऑफलाइन मार्केट में 5,000 रुपए का मिलता था,
और फिर बाद में ऑनलाइन भी आपको 5.5 का मिल जाता था, नॉर्मली ये आपको 6,000 का मिलता था। अब करंट प्राइसिंग इसकी क्या है, 9,000 रुपए। और इसकी प्राइसिंग में भी एनवीडिया का कॉस्ट नहीं निकल रहा था मेमोरी का, इसलिए एनवीडिया ने 1030 का DDR4 वर्जन निकाल दिया जो कि 730 जितना परफॉर्मेंस देता है या फिर थोड़ा बहुत उससे भी कम। वही 1050 Ti जो है जो कि 11,500 में बिकता था, अब आजकल बिक रहा है 16,500 का, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे 5,000 रुपए बढ़ा हुआ है। अब ये तो सिर्फ मेमोरी कॉस्ट है नहीं, सिंपल सी बात है, मान लो मेमोरी महंगा हुआ उसकी वजह से 1,000 रुपए एनवीडिया बढ़ा लेता है, लेकिन 16,500 का क्यों बिक रहा है। और मैं आपको एक्चुअली प्रूफ से बता सकता हूँ कि एनवीडिया खुद अपने ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस बढ़ा रहा है। अगर आप GTX 1060 फाउंडर्स एडिशन की बात करोगे ना, तो वो जो ग्राफिक्स कार्ड है वो लॉन्च हुआ था $250 में और आज बिक रहा है $300 का खुद एनवीडिया के ऑफिशियल साइट पे, यानी कि यहाँ पे एनवीडिया ने खुद से $50 बढ़ाया हुआ है। तो ऑफकोर्स ये बात है यार, जब ग्राफिक्स मैन्युफैक्चरर खुद ही प्राइसेस बढ़ाएगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी प्राइसेस थोड़ा अपना बढ़ाएगा, फिर बाद में रिटेलर्स भी थोड़ा प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो भाई सब बात मिला जुला के ये है ना कि कुछ तो प्राइसेस एनवीडिया खुद से बढ़ा दे रहे हैं, कुछ सेलर्स बढ़ा दे रहे हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ा दे रहे हैं, और बाद में हमारे पास आते आते इन जीपीयू की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रही हैं। तो भाई वो सिंपल सा फंडा ये है कि माइनिंग के नाम पे हमें चूतिया बनाया जा रहा है, हमसे ज्यादा प्राइसेस लूटे जा रहे हैं। अब तो माइनिंग जोरों शोरों से उतना चल नहीं रहा है, तो मतलब प्राइसेस अब तो नॉर्मल होने चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों होंगे यार, एनवीडिया तो मतलब अपने प्रॉफिट चार्ज दिखाने में लगा हुआ है। तो एट दी एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो बजट ग्राफिक्स कार्ड है उनकी प्राइसेस इसलिए बढ़ी हुई क्योंकि उनके अंदर जो रैम लगती है उसकी प्राइसेस बढ़ी हुई है। वो तो ऑफकोर्स ही बात है, मतलब कि हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड में भी जो रैम लगता है उसकी भी प्राइसेस बढ़ी हुई है, तो सबसे पहला कारण ये है। और फिर बाद में एनवीडिया खुद थोड़ा बहुत जीपीयू के प्राइसेस बढ़ा चुका है, और फिर बाद में कुछ सेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ा के दे रहे हैं, और साथ में हाँ ये जो GT 710 है और 1030 है इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड का जो सप्लाई वो एनवीडिया ने थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि ऑफकोर्स बात है लो एंड मार्केट में इतना ज्यादा एनवीडिया का प्रॉफिट बन नहीं पा रहा है। तो इन कारण की वजह से थोड़ा बहुत प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिर बाद में सेलर्स ने भी मतलब इंक्रीज कर दिया, और फिर बाद में हमारे पास आते आते ये जीपीयू महंगे हो जा रहे हैं। तो यार मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा ना कि बजट ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि 710, 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti, चलो 1050 Ti पे थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी का इफेक्ट है, लेकिन बाकी जो तीनों जीपीयू मैंने बताए इनका क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर भी इन ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस बढ़ी हुई है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। अब गाइस अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से आप शॉपिंग कर सकते हो, और हाँ मेरे साथ बातचीत वगैरह करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।